सवालों के घेरे में अब भी प्रिंसिपल रहे संदीप घोष का नाम है और आगे खबरदार करता सवाल यह है कि क्या संदीप घोष की गिरफ्तारी होगी, जिसे लगातार पूछताछ सीबीआई करती आ रही है। प्रिंसिपल का बर्ताव आपकी तरफ बहुत ही रूड था, वो उसने आपसे बात भी नहीं किया, प्रिंसिपल की तरफ से कुछ वो नहीं आया, ये राम नहीं है, नहीं है ये बहुत गंदे इंसान है, ये पैसे के लिए कुछ भी कर सकते हैं। जूनियर स्टूडेंट को गेस्ट हाउस में बैठा के शराब पिलाते हैं। संजय रॉय कोलकाता केस का मुख्य आरोपी और संदीप घोष मुख्य संदिग्ध भूमिका वाला शख्स, इन दोनों के बीच क्या कोलकाता केस को लेकर कोई रिश्ता है? इस खबर को समझने से पहले याद करिए, घटना के दो दिन बाद जब सवाल प्रिंसिपल रहे संदीप घोष पर उठे तो इस्तीफा देने के बाद वो क्या बोले? मेरा बदनामी हो रहा है सोशल मीडिया में, मेरा मुख में कुछ भी बोली जा रहा है इसके कारण से। और एक ये जो लड़की का डेथ हुआ डॉक्टर, ये लड़की मेरा लड़की जैसा है, एक पेरेंट्स होने का नाते मैं रेजिग्नेशन देना सोचता हूँ, इसलिए मैं रेजिग्नेशन दे रहा हूँ मेंटली। मैं आई डोंट लाइक दैट दिस शुड हैपन टू एनीवन इन फ्यूचर, लेकिन मैंने उसको बचाने का कोशिश तो पूरी किया, लेकिन हमारा जो डिपार्टमेंट है, हमारा डिपार्टमेंट चेस डिपार्टमेंट में उसका डेथ हो गया, तो इट्स रियली अनअवॉइडेबल दैट्स वी हैव रिजाइन। बदनामी का डर और पीड़िता को अपनी बेटी बताते इस्तीफा देने वाले इन्हीं संदीप घोष को लगातार 6 दिन तक सीबीआई ने बुलाकर पूछताछ की है। और अब इस कार को देखिए, पश्चिम बंगाल स्वास्थ्य विभाग का नाम लिखी ये एसयूवी वही है जिसमें प्रिंसिपल रहते संदीप घोष चलते रहे, लेकिन अब इसी कार में सीबीआई के अधिकारी जांच कर रहे हैं। जिस कार का इस्तेमाल संदीप घोष करते थे, इसमें कोई सुराग या सुराग का सिरा सीबीआई के अधिकारी खोजते हैं, लेकिन वो क्या है? क्या इस कार का 8-9 अगस्त की रात हुई वारदात से कोई संबंध हो सकता है? सीबीआई का ऑफिसर सीबीआई बोलना सकता, हम तो नहीं, क्या बोला, गाड़ी देखेगा, चेक करेगा, गाड़ी चेक करेगा। अच्छा, फिर क्या आप क्या क्या दिखाएं गाड़ी में, गाड़ी खुलता है वो लोग देख लिया मैं। अच्छा, और किस और आपको क्या बुलाया गया सीबीआई दफ्तर में आज? क्या संदीप घोष इस पूरे केस में भले जांच के बाद निर्दोष साबित हो, लेकिन फिलहाल अब तक इनकी भूमिका कई मामलों में शक के घेरे में, जिस पर अंदेशा और बढ़ जाता है जब अख्तर अली आरजीकर हॉस्पिटल के पूर्व डिप्टी सुपरिटेंडेंट के दावे आज तक के सामने आते हैं। अख्तर अली वो अधिकारी हैं जो 2007 से 2023 तक आरजीकर हॉस्पिटल में रहे, जिन्होंने कोलकाता पुलिस पर भी भरोसा नहीं है। सीआईएसएफ को जिम्मा आरजीकर मेडिकल अस्पताल की सुरक्षा का सौंपना पड़ा है, जहां कल से ही सीआईएसएफ के 150 जवान तैनात हो चुके हैं। दरअसल डॉक्टरों ने यह मुद्दा उठाया था कि पुलिस की मौजूदगी के बावजूद 14-15 अगस्त की रात हजारों की भीड़ ने न सिर्फ हमला किया था बल्कि वहां प्रदर्शन करते डॉक्टरों को धमकी दी थी। इसी वजह से पिछली सुनवाई में ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि सुरक्षा अब सीआईएसएफ को दी जाए। आरजीकर में सेंट्रल फोर्सेस की तैनाती हो चुकी है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस हिसाब से सेंट्रल फोर्सेस की दो टुकड़ी यानी कि दो कंपनी यहाँ पे आ चुकी है। सेंट्रल फोर्सेस को यहाँ पे तैनात करने का ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट ने दिया था, जिसके बाद जिससे पहले स्टूडेंट्स ने कहा था कि उन्हें डर लग रहा है यहाँ पे काम करने के लिए और यहाँ के लॉ एंड ऑर्डर को देखते हुए। दो कंपनी यहाँ पे ऑलरेडी आ चुकी हैं, महिलाएं भी हैं, जेंट्स भी है जो यहाँ पे मार्च कर रहे हैं, यहाँ पे घूम रहे हैं, टूर ले रहे हैं इस पूरे जगह का, और लेडी ऑफिसर्स हैं और उनके साथ साथ जैसे पहले ही कहा कि जेंट्स भी यहाँ पे है। सीआईएसएफ फिलहाल ये टूर ले रहा है इस पूरे जगह का, मुआयना कर रहा है और आज से यहाँ की सिक्योरिटी की जिम्मेदारी सीआईएसएफ के ऊपर। कैमरा पर्सन सातिकी के साथ सूर्याग्नि रॉय आज तक।